Let's start the class. Let's start the class of the day again. The class of the Article 19.2. The हम बात कर रहे हैं इस समय अपने संविधान की कि हम संविधान में अनुच्छेद 19 को हम पढ़ रहे थे. हम 19 से आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं. देखो क्या है, हमने पहली ही बात यह आपको बताने की कोशिश की है कि जो हमारा संविधान है, इस संविधान में जो अधिकार दिए गए हैं वह अधिकार एब्सोल्यूट नहीं है. हर अधिकारों के साथ कुछ न कुछ आपको यह निर्बंधन दिया गया है. तो सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, जो हमारा आर्टिकल 19 है, आर्टिकल 19 में अपने आप कई तरह के निर्बंधन डाल दिए गए हैं. तो हमारा जो आर्टिकल 19.2 है संविधान का, उस आर्टिकल 19.2 में कई ऐसे प्रावधान डाले गए हैं. यह इस बात को करते हैं कैसे हम आर्टिकल 19 में जो दिया गया अधिकार है कैसे कंट्रोल किया जाए. अगर आप शब्द देखिए, शब्द क्या क्या है, सिक्योरिटी ऑफ स्टेट, सिक्योरिटी. अगर आप बेयर एड खोलिए आपको साफ साफ दिख जाएगा कौन कौन से शब्द आर्टिकल 19 में आपको दिख रहे हैं. तो पहला शब्द क्या है, सिक्योरिटी ऑफ स्टेट. दूसरा, आप आर्टिकल 19.2 खोलिए आपको तुरंत दिखना शुरू हो जाएगा, वहां समझना आसान हो जाएगा, सिक्योरिटी. दूसरा, फ्रेंड रिलेशन. फ्रेंडली रिलेशन पहला हो गया सिक्योरिटी, दूसरा हो गया फ्रेंडली रिलेशन. आइए तीसरे शब्द पे. तीसरा शब्द क्या है, तीसरा शब्द है पब्लिक ऑर्डर, डिसेंसी, मॉरलिटी. पब्लिक ऑर्डर, डिसेंसी, मॉरलिटी. पब्लिक ऑर्डर, डिसेंसी, मॉरलिटी. पब्लिक ऑर्डर, डिसेंसी, मॉरलिटी, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, डिफिमेशन, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट. डिफिमेशन, इंसाइटमेंट टू द ऑफेंस. इसका मतलब क्या हो गया कि जो आपका आर्टिकल 19.1 में जो आपके एक्सप्रेशन का राइट दिया गया है, वह एक्सप्रेशन का राइट सर्टेन कंडीशन से कंट्रोल होता है. तो यह जितने शब्द हैं, ये जितने हैं, सिक्योरिटी, फ्रेंडली रिलेशन किसके साथ, विथ फॉरेन स्टेट. अब भारत का अमेरिका का अच्छा संबंध चल रहा है, अब आपके पास अधिकार नहीं है कि आप भारत अमेरिका के संबंधों पर आप कुछ ऐसा कार्य करें कि भारत अमेरिका के मध्य के संबंध खराब हो जाएं. तो जो आर्टिकल 19.2 है किसके इंटरेस्ट में है, यह है इन द इंटरेस्ट ऑफ, किसके इंटरेस्ट में है, इन द इंटरेस्ट ऑफ ए वाइड एम्पलीट्यूड. किसके लिए, टू द परमिसिबल लॉ. किस पर्पज से, विच कैन बी इनेक्ट टू इंपोज रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन. किसके लिए, राइट गारंटेड बाय द आर्टिकल 19.1. रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन. रिस्ट्रिक्शंस, राइट्स गारंटेड अंडर आर्टिकल 19.1. बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट क्या है कि भारत एक ऐसा देश है
जहां पर जब संविधान बनाया गया उस संविधान को बनाते समय जो आपको अधिकार दिए गए उसी अधिकार को कंट्रोल करने के लिए प्रोविजन उसी सेक्शन में उसी आर्टिकल में डाल दिया गया। तो आर्टिकल 19(2) यह कहता है कि जो भी आपको अधिकार दिए जा रहे हैं वह अधिकार एब्सोल्यूट नहीं है, आप इसके अलावा जो 19(1) में लिखा गया है इसके अलावा किसी और आधार पर आप रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकते हो। वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, व्हाटसोएवर हैज बीन रिटन और इलेबोरेटेड इन आर्टिकल 19(2), यू हैव द लिबर्टी ओनली टू यूटिलाइज दैट, यू हैव नो राइट टू गो बियॉन्ड दैट। व्हाटसोएवर हैज बीन रिटन आर्टिकल 19(2), you have to exercise only those provisions to impose a reasonable restriction. The word reasonable must be remembered. You cannot do anything. This should be a reasonable restriction. Therefore, the freedom of expression guaranteed under Article 19(1) is subject to the condition of Article 19(2). But subject to the condition only under Article 19(2). Beyond Article 19(2), you have nothing to do. आप कुछ भी नहीं कर सकते। पहली बात क्या समझ लें कि भारत के संविधान में जो हमारी वाक और अव्यक्त की स्वतंत्रता है वह पूरी तरह से एब्सोल्यूट नहीं है, वह पूरी तरह सार्वभौमिक नहीं है, उस पर नियंत्रण किया जा सकता है, उस पर नियंत्रण करने के प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 19(2) में लिखे गए हैं। संविधान के अनुच्छेद 19(2) में कुछ आधार लिखे गए हैं, उन आधारों को ध्यान में रखते हुए आप व्यक्ति की वाक स्वतंत्रता पर आप रोक लगा सकते हो, लेकिन आप अनुच्छेद 19(2) में लिखे गए आधारों के बाहर जाकर आप कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकते हो। गॉट इट? एनीवन हैज कंफ्यूजन? अब पहला ही शब्द है, अब चलिए हम एक एक शब्द को समझते हैं। एक शब्द है सिक्योरिटी ऑफ स्टेट एंड पब्लिक ऑर्डर। सिक्योरिटी ऑफ स्टेट, आप लोग लिखते रहिए तो लगता है कि हां कुछ आप लोग समझ रहे हैं। आप लोग अपना बेरक देखिए, यू सी योर बेयर एक्ट, सिक्योरिटी ऑफ स्टेट एंड पब्लिक ऑर्डर। अभी दो कॉन्सेप्ट है, पब्लिक ऑर्डर, सिक्योरिटी ऑफ स्टेट। पब्लिक ऑर्डर वाइडर टर्म है इन कंपैरिजन टू सिक्योरिटी ऑफ स्टेट। पब्लिक ऑर्डर एक वाइडर टर्म है इन कंपैरिजन टू द सिक्योरिटी ऑफ स्टेट। पब्लिक ऑर्डर अपने आप में ज्यादा चीजों को समाहित करता है सिक्योरिटी ऑफ स्टेट की तुलना में। तो जो पब्लिक ऑर्डर है, पब्लिक ऑर्डर एक व्यापक परिभाषा को अपने भीतर रखता है इन कंपैरिजन टू द सिक्योरिटी ऑफ स्टेट। अगर हम उदाहरण लें, जैसे एक व्यक्ति रात में कोई म्यूजिक बजा रहा है, तो व्यक्ति का रात में म्यूजिक बजाना ये सिक्योरिटी ऑफ स्टेट में है या पब्लिक ऑर्डर में है? कोई व्यक्ति अगर रात में म्यूजिक बजा रहा है तो उसका म्यूजिक का बजाना वह पब्लिक ऑर्डर में है या सिक्योरिटी में है? वह उसका म्यूजिक बजाना तब तक पब्लिक ऑर्डर को डिस्टर्ब नहीं करेगा जब तक वह उस इलाके की ट्रैंक्विलिटी को, शांति को बाधित नहीं करता है। तो कहा जाता है मैन प्लेइंग लाउड म्यूजिक इन हिज होम एट नाइट मे डिस्टर्ब पब्लिक ट्रैंक्विलिटी बट नॉट पब्लिक ऑर्डर। इसलिए अगर ऐसा कोई एक्ट है एज डिस्टर्ब ओनली द सरेंडरी ऑफ द अदर्स मे नॉट फॉल विद द टर्म पब्लिक ऑर्डर, वह पब्लिक ऑर्डर को डिस्टर्ब नहीं कर रहा है। पब्लिक ऑर्डर एक वाइडर टर्म है, इसलिए अगर कोई व्यक्ति अपने यहां म्यूजिक बजा रहा है तो वह पब्लिक ऑर्डर को डिस्टर्ब नहीं कर रहा है। यह मेरा कहना नहीं, मैं कोर्ट केसेस के आधार पर आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं कोर्ट ने क्या क्या कहा है। तो क्या है पब्लिक ऑर्डर, क्या होना चाहिए? देयर शुड बी सम एलिमेंट ऑफ डिस्टर्बेंस ऑफ पीस।
कोई पीस के डिस्टरबेंस की बात होनी चाहिए। आप जब तक पीस डिस्टर्ब नहीं करोगे, यू नीड टू डिस्टर्ब ए पीस फॉर पब्लिक ऑर्डर। आप आर्टिकल 19(2) के एप्लीकेबिलिटी के लिए आप किसी पीस को डिस्टर्ब करो अगर आप पब्लिक ऑर्डर को इंपोज कराना चाहते हो। तो एक कंक्लूडिंग लाइन क्या हो गई, देयर शुड बी सम एलिमेंट ऑफ डिस्टर्बेंस ऑफ पीस टू ब्रिंग ए मैटर अंडर पब्लिक ऑर्डर। इसलिए ऑल ग्राउंड्स ऑन विच एक्शन कैन टेकन अंडर सेक्शन 144C शैल फॉल इन पब्लिक ऑर्डर अंडर 44C। गॉट इट? कि जो भी मामले 144C के तहत आते हैं, किसमें, सीआरपीसी, सीआरपीसी का जो 144C है वह लोक व्यवस्था से संबंधित है। जो भी मामले इसके अंदर आते हैं वह पब्लिक ऑर्डर को डिस्टर्ब करते हैं। देयरफोर संविधान के अनुच्छेद 19(2) को अप्लाई करने के लिए, संविधान के अनुच्छेद 2 को उपयोग में लाने के लिए यह आवश्यक है कि आप पीस को डिस्टर्ब करने का कोई मुद्दा पूरी तरह से प्रस्तुत करें। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप यह नहीं कर सकते हैं। तो जो रिस्ट्रिक्शन है वह रीजनेबल होना चाहिए। दूसरा है सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। देखिए प्रीलिम्स से सवाल इतने कठिन बनते हैं, हमको पढ़ाना पड़ रहा है सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। राष्ट्र की, भारत की, देश की अखंडता और प्रभुसत्ता। आप दूसरा शब्द देखें क्या है, सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। जो सेक्शन 2 है क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 1961, उसने पेनल कर दिया प्रोविजन को कि अगर क्वेश्चन करते हैं टेरिटरी ऑफ इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, अगर भारत की, आप इतना याद रखें, ज्यादा डिटेल नहीं आते हैं, अगर कोई ऐसा एक्ट आप करते हैं जो देश की एकता और अखंडता को बाधित करता है, तो ऐसा कृत्य करने पर आपका अनुच्छेद 19(2) अप्लाई हो सकता है। तीसरा है फ्रेंडली रिलेशन विथ फॉरेन स्टेट, फ्रेंडली रिलेशन विथ फॉरेन स्टेट्स। आपके विदेशी राज्यों के साथ के मैत्रीपूर्ण संबंध। अगर आप कोई मलेशियस प्रोपेगेंडा करते हैं अगेंस्ट ए फॉरेन पावर जिसके साथ इंडिया का एक फ्रेंडली रिलेशनशिप है, तो आप का जो अधिकार है वह छीना जा सकता है। अब फॉरेन स्टेट का मतलब क्या है, आर्टिकल 367(3), आप खोलिए आर्टिकल 367(3), आप खोलिए, खोलिए आर्टिकल 367(3). आर्टिकल 367(3) में यह परिभाषित किया गया है कि फॉरेन स्टेट का मतलब क्या है। आप खोलिए आर्टिकल 367 सबसेक्शन 3, खोलिए, आप देखिए आपको दिख जाएगा। तो आर्टिकल 367 सबसेक्शन 3 में अगर आप कभी फॉरेन स्टेट का सवाल लिखें तो आप निश्चित रूप से इसका जिक्र कर दें, उससे क्या होगा कि आपका उत्तर अच्छा हो जाएगा। लिखा है फॉर द पर्पज ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूट फॉरेन स्टेट मीन एनी स्टेट अदर देन इंडिया। क्या है फॉरेन स्टेट मीन्स, एनी स्टेट अदर देन इंडिया। देखिए अपना काम क्या होता है कि आपका मैं कॉन्स्टिट्यूशन लिंक कर दूं। अगर आपने, अगर सपोज फॉर एग्जाम्पल
अगर आप यह सवाल हल कर रहे हो, आप कहीं लिख रहे हो कि फ्रेंडली रिलेशनशिप फॉरेन स्टेट, अगर आपने आर्टिकल 367 सबसेक्शन 3 का जिक्र कर दिया, तो आपका आंसर क्या होता है, वो बेहतर हो जाता है, आपके बात कहने की जो जो ताकत है वो बढ़ जाती है। तो आर्टिकल 367(3) जो है में डिफाइन किया गया है व्हाट इज द फॉरेन स्टेट। तो आप कोई भी ऐसा अफेयर दी जो द अफेयर्स एमंगस्ट द कॉमनवेल्थ कंट्रीज आर फॉरेन अफेयर्स एंड दे आर फॉरेन पावर्स इन रिलेशन टू ईच अदर, देयर फोर ए कॉमनवेल्थ कंट्री इज ए फॉरेन कंट्री फॉर द पर्पज ऑफ आर्टिकल 192। यह एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, इसलिए सवाल पूछा जा सकता है। तो आपका जो फॉरेन पावर के साथ अगर कोई संबंध है, उसमें अगर आप किसी तरह का दिक्कत करते हो, तो आपको कहता है फिर क्या है, इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस, इंसाइटमेंट टू एंड ऑफेंस। आप किसी आपराधिक कृत्य को बढ़ाने का कोई कार्य करते हो, तो उसके लिए जो ऑफेंस, अब वो अब यहां देखिए शब्द ऑफेंस क्या है, ऑफेंस है क्या, जो ऑफेंस है यह संविधान में डिफाइन नहीं किया गया। तो कैसे डिड होगा, जनरल क्लॉजेस एक्ट से, जहां पर कोई भी आपको हेल्प नहीं मिलती है डिफाइन करने के लिए, हम जनरल क्लॉजेस एक्ट की तरफ बढ़ जाते हैं। तो चूंकि यह शब्द जो है कि ऑफेंस संविधान में डिफाइन नहीं किया गया है, इसलिए हम जनरल क्लॉजेस एक्ट की तरफ बढ़ जाते हैं। अगला कंटेम्प्ट द कोर्ट, अब देख कंटेम्प्ट टू कोर्ट जो है, कंटेम्प्ट टू जो कंटेम्प्ट टू कोर्ट है, अब आप जैसे आर्टिकल 19 में इस शब्द को लिखें, आप आर्टिकल 129 का जिक्र करें, जो कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट का जो राइट है, जो सारा अधिकार है, वो आर्टिकल 129 से डिफाइन होता है। तो जो सुप्रीम कोर्ट को पावर स्पेसिफिकली कंफर्म की गई है, कंफर्म की गई सुप्रीम कोर्ट को आर्टिकल 129 में, और हाई कोर्ट को 215 हाई कोर्ट, 129 सुप्रीम कोर्ट, आप दोनों याद रखिए। तो जो आर्टिकल 129 में सुप्रीम कोर्ट को और 215 में हाई कोर्ट को कंटेम्प्ट की पावर दी गई है, तो जो फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन गारंटी किया गया है 91 में, यह किसके सब्जेक्ट हो गया, 19(1) सब्जेक्ट टू 19(2), 129, 215। कई बार एग्जाम में सिंपल से पूछ लेते हैं, एक ही पूछ लेंगे कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में अभिव्यक्ति स्वतंत्रता कैसे होती है, अब आवासर कैसे करेंगे। अगर सवाल आता है कि 91 की वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, तो 19(2), 129, 215 में सिर्फ जिक्र हुआ है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का, और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो है 129 हाई सुप्रीम कोर्ट का है, 215 हाई कोर्ट का है। तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का जो मामला है वह इसको डिफाइन करता है। दूसरा सेक्शन 228 आईपीसी यह भी केसेस बनाता है कंटेम्प्ट जो कोर्ट पनिशमेंट के, सेक्शन 228 आईपीसी, सेक्शन 228 सीपीसी। देखिए मैं आपको लिख के दे रहा हूं, आप इसको याद कर लो, आपका काम अब सिर्फ याद करना है, आपका सारा होमवर्क हो गया है। जो सेक्शन 288 है, 288 आईपीसी का है, वह भी बात करता है कैसे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट को पनिशमेंट किया जाए। देखिए अब आपका सवाल, अब आपका पूरा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया, अब कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में कोई भी सवाल आएगा इसी के बीच में हल हो जाएगा। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में कोई भी सवाल आएगा इसी में हल हो जाएगा। और अगर आपने ये सारे चीज लिख दिए, आपका जो मॉडल आंसर होगा मोर ऑर लेस सेम होगा, आपका मॉडल आंसर परफेक्ट हो गया।
आपके मॉडल आंसर में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आप ये नहीं लिखोगे तो जो यूपीएससी का मॉडल आंसर है वह मॉडल आंसर आप टच नहीं कर पा रहे हो। अगर अगर 19(1) को और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट को, वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट से जोड़कर सवाल बनाया जाएगा और आप अगर इसका जिक्र नहीं करते हो, 1, 2, 3, 4 और 5, अगर आप इनका जिक्र नहीं करते हो, आपका जो सवाल का आंसर है मॉडल आंसर से वो आपका इनकंप्लीट आएगा, तो आपका कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो गया। अगला क्या है? डिफेमेशन। डिफेमेशन क्या है? यह पब्लिकेशन ऑफ स्टेटमेंट है। वो क्या करता है? किसी की रेपुटेशन को डैमेज करता है। डिफेमेशन क्या करता है? डिफेमेशन ये क्या करता है? या किसी की रेपुटेशन को डैमेज करता है कि रेपुटेशन को डैमेज करता है। इट डैमेजेस द समवंस रेपुटेशन। तो किसी की, अगर आप ऐसा कोई बात नहीं कर सकते हो जिससे किसी व्यक्ति की गरिमा को किसी तरह की चोट लगे, तो आप किसी भी तरह से ऐसा काम नहीं कर सकते हो जो किसी की रिप्रेशन को डैमेज करे। जो ट्रायल बाय मीडिया है इसके बारे में एक बहुत बहस उठ रही है। तो जो ट्रायल ऑफ मीडिया है, राइट टू प्रेस तो है, ट्रायल बाय मीडिया प्रेस के पास ये राइट है, प्रेस के पास ये राइट है कि प्रेस चाहे तो वो क्रिटिसाइज करे, लेकिन एक वह लिमिट को ध्यान देने की कोशिश करे, फेयर क्रिटिसिज्म करे। तो जो राइट टू फ्रीडम ऑफ मीडिया है इसको एक्सरसाइज कैसे होना चाहिए? रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए और इंटरनल मैकेनिज्म होना चाहिए ताकि वह किसी को दिक्कत न करे। नेक्स्ट है डिसेंसी एंड मॉरलिटी। डिसेंसी एंड मॉरलिटी। डिसेंसी एंड मॉरलिटी, अब यह भी क्या है? बड़ा बड़ा इंटरेस्टिंग शब्द है जो डिसेंसी और मॉरलिटी है। अगर आप इंडियन पेनल कोड का सेक्शन 292 से 294 देखें, उसने लिस्ट दिया है सम ऑफेंसेस की। उसमें क्या क्या है? ऑब्सीन बुक्स हैं, ऑब्सीन चीजों को बेचना है यंग लोगों को, किसी ऑब्सीन एक्ट के कमिटमेंट की बात है, ऑब्सीन सिंगिंग सॉन्ग है। तो सेक्शन 292 to 294 आईपीसी, यह बात करता है कुछ ऐसी चीजों को जो डिसेंसी के दरमियान के बाहर जाते हैं। और उन्होंने जो सेक्शन 292 आईपीसी का है इसको वैलिड रखा गया है। क्यों? लॉ अगेंस्ट ऑब्सिनिटी सीक्स नो मोर देन टू प्रमोट पब्लिक डिसेंसी एंड मॉरलिटी। तो पब्लिक डिसेंसी और मॉरलिटी को लेकर, तो आप ऐसा कोई कार्य नहीं कर सकते हैं जो डिसेंसी और मॉरलिटी को टच करता हो। अब सेक्शन 292-294 आईपीसी में इसकी व्याख्या की गई है। तो आपका हो गया ये डिसेंसी एंड मॉरलिटी। अगर डिसेंसी और मॉरलिटी को हम कन्फाइन नहीं कर सकते हैं, देखिए अब क्या डिसेंसी और मॉरलिटी जो सेक्शन 292 और 294 है, क्या सेक्सुअल एक्ट तक ही सीमित है? नहीं। Only sexual act? No. It has the wide amplitude. It has the wide amplitude. यह एक बड़े तत्व को अपने आप में समाहित करती है, वही तक नहीं रख सकते हैं। आप लोग सिविल सर्विसेज में आ रहे हैं तो फ्रीडम ऑफ स्पीच इन द सिविल सर्विसेज, फ्रीडम ऑफ स्पीच इन सिविल सर्विसेज,
सिविल सर्विसेज के लोगों की वाक अव्यक्त की स्वतंत्रता किस तरह से है? जो सर्विस रूल है, जो एक डिसिप्लिन को मेंटेन करने की बात करती है विद इन द सर्विस, लेकिन यह फ्रीडम ऑफ स्पीच को कर्टेल नहीं करती है। डिसिप्लिन की बात तो करती है, बट नॉट टू कर्टेल द फ्रीडम ऑफ स्पीच। अब क्या कॉन्सेप्ट है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एक व्यक्ति का इनहेरेंट राइट है, एक व्यक्ति का अधिकार है, उसको आप वापस नहीं ले सकते हैं। सबसे लेकिन किसी भी अधिकारी को बोलते समय, किसी भी बोलते समय वह नियम कानून कंडक्ट रूल का ध्यान देना होगा। तो इसलिए जो प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के लिए है, इंटरनल डिसिप्लिन मेंटेन करना आवश्यक है। सबसे इंटरेस्टिंग है नॉइस पोल्यूशन। नॉइस आपके मकान के बगल में लाउडस्पीकर बज रहा है, कोर्ट ने इसको, बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट क्या है, 19(2) को इंटरप्रेट करते समय कोर्ट ने 21 का भी सहारा लिया है। तो टू आर्टिकल्स दे हैव टेकन टुगेदर, 19(2) और 21, दो का सहारा लिया है कि कोर्ट ने कहा है कि इस मामले का निपटारा करते समय आर्टिकल 21 का भी ध्यान रखना चाहिए। और आर्टिकल 19 का कोर्ट ने यह कहा, इंटरप्रेट किया कि आर्टिकल 19 क्या है, एज टू इंश्योर दैट एंटी एनवायरमेंटल एक्टिविटीज आर नॉट प्रोटेक्टेड। नॉइस पोल्यूशन क्या है? एंटी एनवायरमेंटल एक्टिविटीज। ये क्या है? एंटी एनवायरमेंटल एक्टिविटीज। जो आर्टिकल जो उन्होंने बोला है कि 19(2) जो है वह एंटी एनवायरमेंटल एक्टिविटीज है। अगर आप इसको फंडामेंटल राइट से जोड़ के देखें, आप खोलिए आर्टिकल 51, जो आपका फंडामेंटल राइट है, ओपन आर्टिकल 51 के, आर्टिकल 51A। अगर आप देखें तो आर्टिकल 51 में यह दिया हुआ है जी में, टू प्रोटेक्ट एंड इंप्रूव द नेचुरल इन्वायरमेंट, 51A जी। मिल गया आप लोगों को 51A जी। अगर आप देखें तो वहां पर कहा गया है कि आपको इन्वायरमेंट का ध्यान रखना होगा। आप फिर देखिए 48A, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में है, जहां क्या कहा जा रहा है, प्रोटेक्शन एंड इंप्रूवमेंट ऑफ द इन्वायरमेंट। इसका मतलब क्या हो गया, 19(2), 21, 48A, 51A जी। नॉइस पोल्यूशन के सवाल का उत्तर देते समय आपको ये चारों इस्तेमाल करना है। आप अगर कोई भी, यह आपको हेल्प करेगा इथिक्स के पेपर में भी। देखिए जो मेरी पढ़ाई है वो आपका इथिक्स का पेपर 4, आपका एसे और आपकी पॉलिटी, यह तीनों में काम आएगा, यह तीनों में काम आएगा। तो जब आप 19(2) को नॉइज पोल्यूशन से समझने की कोशिश करें तो आप देखें कि आर्टिकल 21 अप्लाई हो रहा है, 48A कैपिटल A जी अप्लाई हो रहा है। तो जो नॉइज पोल्यूशन का इशू है वह कोर्ट ने कहा है कि यह जो है यह पोल्यूटिंग एक्टिविटीज को रोकने का काम है। नॉइज पोल्यूशन बियरेबल लेवल तक, बियरेबल लेवल, अगर बियरेबल लेवल तक है तो इशू नहीं है, लेकिन जैसे ही आपने बियरेबल लेवल को क्रॉस किया, आप नॉइज पोल्यूशन के, आप 19(2) में आ गए। तो यह लाउड स्पीकर के मामले में बहुत कहा गया,
तो ये कहा गया है कि जो राइट टू यूज ऑफ लाउड स्पीकर है वह फंडामेंटल राइट की तरह नहीं देख सकते। राइट टू यूज लाउड स्पीकर, राइट टू यूज लाउड स्पीकर नॉट ए फंडामेंटल राइट। राइट टू यूज लाउड स्पीकर इज नॉट ए फंडामेंटल राइट, यह कोर्ट ने कहा है। और कहा है कि पार्ट ऑफ द राइट ऑफ फ्रीडम जो यह ब्लैंकेट बैन नहीं हो सकता, लेकिन इस पर रिस्ट्रिक्शन इंपोज हो सकता है। तो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस इंपोज किए जा सकते हैं। अब क्वेश्चन क्या है कि नॉइस पॉल्यूशन को कैसे देखा जाए। सबसे बड़ा दिक्कत क्या है कि नॉइस पॉल्यूशन का जो संबंध है वह आर्टिकल 25-26 तक भी चला जाता है। कैसे? जो लाउडस्पीकर का इस्तेमाल होता है, जो लाउडस्पीकर का इस्तेमाल होता है कि जो रिलीजियस फ्रीडम की बात है, तो क्या एक चर्च यह क्लेम कर सकता है कि फ्रीडम टू रिले द प्रेयर्स ऑन द लाउडस्पीकर जो नॉइस पॉल्यूशन करे? सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि द क्वेश्चन ऑफ रिलीजियस फ्रीडम डज नॉट अराइज एज नो रिलीजियस रिक्वायर्स द प्रेयर कैन बी परफॉर्म थ्रू द वॉइस एम्पलीफायर्स। प्रेयर्स डोंट नीड द वॉइस एम्पलीफायर्स। देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग है। आप क्या संविधान बड़ी बड़ा मजा भी आता है। अब 192 से कहो क्या गया, 25-26 का क्या झगड़ा हो गया जो रिलीजियस फ्रीडम की बात करता है। सुप्रीम कोर्ट ने एक वाद में फैसला दे दिया कि जो वॉइस आपका जो ये जो प्रेयर है, यह प्रेयर जो है वह किसी भी तरह से वॉइस एम्पलीफायर को नहीं चाहती है। इसे सरकार जो पॉलिसी बनाएगी उसको आपको फॉलो करना होगा। अब दूसरे आते हैं 19(1)(b) एंड 19(3). किसी को प्रॉब्लम है? ऑल इज क्लियर और यू वांट सम क्लेरिफिकेशन इन द अर्लियर लेक्चर? ऑल आर फाइन। अब देखिए 19(1)(b) एंड 19(3). अगर आप 19(1)(b) देखें तो 19(1)(b) किसकी बात करता है? 19(1)(a) बात करता है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की। आप मेरे साथ बेरक देख, मैं भी बेरक को भी खोल लेता हूं। तो 19(1)(b) किसकी बात करता है? 19(1)(b) बात करता है असेंबली, असेंबली पीसफुल विदाउट आर्म्स। तीन शब्द है, असेंबली पीसफुल विदाउट आर्म्स। दिख गया आपको? अगर आप 19(1) देखें तो वह तीन शब्द है, पीसफुल, असेंबली, विदाउट आर्म। तो आर्टिकल 19(1)(b) क्या गारंटी करता है? आर्टिकल 19(1)(b) गारंटी करता है, क्या गारंटी करता है? आर्टिकल 19(1)(b) गारंटी करता है राइट टू असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स। और जो आर्टिकल 19(3) है वह क्या कहता है? स्टेट कैन मेक एनी लॉ इंपोजिंग रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस उस राइट के संबंध में। तो 19(1)(a) और 19(1)(b) वह कॉमन ग्राउंड है। अगर हम उदाहरण के तौर पर देखें तो जो डिमॉन्स्ट्रेशन है, प्रोसेशन है और मीटिंग है वह 19(1)(a) में भी फॉल होती है। तो 19(1)(a) और 19(1)(b) उसमें कॉमन ग्राउंड भी है।
19(1)(a) और 19(1)(b) में कॉमन ग्राउंड भी है। जो डिमॉन्स्ट्रेशन है, डिमॉन्स्ट्रेशन में आप इकट्ठा भी होते हो और इकट्ठा होने के बाद आप वहां पर अपनी बात कहते भी हो, तो 19(1)(a) और 19(1)(b) में कॉमन ग्राउंड भी है। तो जो 19(1)(a) है और 19(1)(b) है उसको हम एक साथ देख सकते हैं। तो देयर इज ए कॉमन ग्राउंड, देयर इज ए कॉमन ग्राउंड बिटवीन 19(1)(a) एंड 19(1)(b). अगर हम इसको देखें तो जो डिमॉन्स्ट्रेशन है, प्रोसेशन है, मीटिंग्स है, जो कंसीडर्ड होती है 19(1)(a) में और 19(1)(b) में, इसलिए जो एक एक डिमॉन्स्ट्रेशन है, एक असेंबली है, दोनों की सेम प्रिंसिपल स्ट्राइक मिलती है। तो राइट टू स्ट्राइक जो है वह अवेलेबल नहीं है अंडर आइदर ऑफ दीज राइट्स। तो राइट टू स्ट्राइक यह 19(1)(a) एंड 19(1)(b) बोथ में अवेलेबल नहीं है। (19)(1)(a) और (19)(1)(b) दोनों में राइट टू स्ट्राइक जो है वह अवेलेबल नहीं है। उसकी सुविधा के लिए आप कोई भी अर्जी नहीं दे सकते हो। तो बड़ा इंटरेस्टिंग बात क्या हो गया कि जो 19(1)(b) है डज नॉट कन्फर ऑन एनीवन राइट टू होल्ड मीटिंग्स इन गवर्नमेंट प्रमाइसेस। आई 19(1)(c) एंड 19(4). अब आप देखिए बेयर एक्ट में 19(1)(c) में किस किस अधिकार का बात किया गया है। फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन और यूनियन और कोऑपरेटिव सोसाइटीज। तो राइट 19(1)(c) वह गारंटी क्या करता है, वह सिटीजन की उस राइट की बात करता है, राइट टू फॉर्म एसोसिएशन और यूनियंस। और 19(4) है वह रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन की बात करता है। लेकिन 19(1)(c) क्या है, यह डेमोक्रेसी का लाइफलाइन है। 19(1)(c) जो है वह डेमोक्रेसी का लाइफलाइन है। 19(1)(c) डेमोक्रेसी का लाइफलाइन है। अगर आप 19(1)(c) को देखें तो वह पूरी तरह से डेमोक्रेसी का लाइफलाइन है। तो अगर 19(1)(c) को आप एक्सरसाइज करने से रोक दो तो आपने डेमोक्रेसी की पूरी लाइफलाइन को खत्म कर दिया है। तो 19(1)(c) के साथ खास बात क्या है, वह डेमोक्रेसी का एक लाइफलाइन है, ये लाइफ ब्लड है डेमोक्रेसी का। तो जो राइट, जो सिटीजंस का राइट है, क्या राइट है, टू फॉर्म एसोसिएशन, लेकिन यह इंक्लूड नहीं करता है राइट टू कैरी ऑन सच बिजनेस और अदर एक्टिविटीज जिस पर स्टेट रेगुलेशन लगाता है और अदर कंट्रोल करता है उस कार्य को करने के लिए। तो यह है स्टेट को यह राइट देता है। अगर आप देखें 19(4), यू सी द 19(4), आप देखें इंपोज और प्रिवेंट द स्टेट, आप लाइन नंबर 2 पढ़ें, प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी लॉ इंपोजिंग इन द इंटरेस्ट ऑफ सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, पब्लिक ऑर्डर और मॉरलिटी। तो शब्द क्या हो गए हैं, पब्लिक ऑर्डर मॉरलिटी सोवरनिटी एंड रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन तो रहेगा ही रहेगा। तो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं पब्लिक ऑर्डर मॉरलिटी और सोवरनिटी ऑफ इंटीग्रिटी ऑफ द कंट्री के लिए। तो आर्टिकल 19(1)(c) वुड कंट्रोल द पावर ऑफ गवर्नमेंट टू रिकॉग्नाइज एसोसिएशन।
तो अगर हम देखें जो राइट गारंटीड है आर्टिकल 19(1)(c) से, जो आर्टिकल गारंटीड है आर्टिकल 19(1)(c) से, अगर उसको हम देखें तो जो वह डज नॉट कैरी विथ इट्स, जो यह बात कहता है, अगर जो कोर्ट की एग्जैक्ट लैंग्वेज क्या है, द कोर्ट हैज रूल्ड दैट द राइट गारंटीड बाय आर्टिकल 19(1)(c) डज नॉट कैरी विथ इट कॉन्कमिटेंट राइट दैट यूनियंस फॉर्म फॉर प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ लेबर शैल अचीव देयर ऑब्जेक्टिव सच दैट एनी इंफरेंस टू सच अचीवमेंट बाई लॉ वुड बी अनकॉन्स्टिट्यूशनल। तो कोर्ट बहुत क्लियर है इस बात को लेकर कि किस तरह से करें। तो अगर हम लिबरल इंटरप्रिटेशन लें, इफ यू सी ए वेरी लिबरल इंटरप्रिटेशन, ए वेरी लिबरल इंटरप्रिटेशन 91(c) कैन नॉट लीड टू द कंक्लूजन, वह इस कंक्लूजन को लीड नहीं करती है कि द ट्रेड यूनियंस हैव ए गारंटीड राइट टू एन इफेक्टिव कलेक्टिंग बैगनिंग ऑफ स्ट्राइक। तो 19(1)(c) है वह यूनियन की स्ट्राइक की राइट को, यूनियन स्ट्राइक राइट, उसको एकदम पूरी तरह से मान्यता नहीं देती है। यह मान्यता नहीं जाती कि आप जो चाहे सो कर जाओ, आप स्ट्राइक के नाम पर जो चाहो वह नहीं कर सकते हो आप। तो जो अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट है उनको आप इस्तेमाल कर सकते हो। अगला है 19(1)(d), 19(1)(e) एंड 19(5). 19(1)(d), 19(1)(d), e और 19(5). अब 19(1)(d) और ई का रिलेशन किससे है? 19(1)(d) अगर आप पढ़ें, उसका संबंध है देश में फ्रीली मूव करने का। ई का संबंध क्या है? कहीं पर भी आदमी को अपने आप रिसाइड करने का, टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी। अगर आप एनी शब्द को पढ़ें, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो जो यह राइट है अगर इसको आप देखें तो 19(1)(e) और 19(1)(d) और 19(1)(e) और 19(5) यह बात करता है कि एवरी सिटीजन हैज द राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। और आर्टिकल 19(1)(e) गारंटी करता है राइट टू रिसाइड एंड सेटल। अब जो यह राइट टू मूवमेंट है आर्टिकल 19(1)(d) में, मूवमेंट एंड रेजिडेंस, मूवमेंट एंड रेजिडेंस, यह दो शब्द को व्याख्यात करते हैं 19(1)(d) और 19(1)(e) कि जो मूवमेंट है और जो आप जो उनका मूवमेंट है और जो उनका सेटल करने का इशू है वह 19(5) से कंट्रोल है। स्टेट इंपोज कर सकता है रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन, कैसे? इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक, जनरल पब्लिक के इंटरेस्ट में, जनरल पब्लिक के इंटरेस्ट में वह रिस्ट्रिक्शन इंपोज कर सकता है। अगर आप पढ़िए 19(5), अगर आप 19(5) करें तो वह साफ बात करता है कि लॉ बना सकता है एक्सरसाइज ऑफ एनी राइट कंफर्म्ड बाय द इन द इंटरेस्ट ऑफ द जनरल। आप देखिए सब सेक्शन 5 की लास्ट लाइन का दो शब्द, इन द इंटरेस्ट ऑफ द जनरल पब्लिक और प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द शेड्यूल ट्राइब। वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट है, जनरल पब्लिक एंड शेड्यूल ट्राइब दो की बात बोलता है 19(5). तो 19(5) जो है वह दो लोगों के अधिकारों की बात करता है। क्या 19(1)(e) जो है वह फॉरनर्स को राइट देता है? 19(1)(e) अप्लाइज ओनली द सिटीजन नॉट द फॉरनर्स। तो फंडामेंटल राइट जो है अगर यह फॉरनर को राइट नहीं देता है, लेकिन अगर फॉरनर किसी राइट की बात करना चाहता है तो उसको मूव करना पड़ेगा 21 में, क्योंकि आर्टिकल 19(1)(e), डी और ई ये सिटीजन्स को कन्फाइंड है, यह किसी फॉरनर को प्राप्त नहीं हो सकते हैं।
तो अगर किसी सिटीजन को कोई रिमेडी की प्राप्त करनी है तो उसको मूव करना पड़ेगा, उसको मूव करना पड़ेगा 21 में। अब हेलमेट का पहनना बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, 19(1)(d) में हेलमेट का पहनना, क्या हेलमेट का पहनना 19(1)(d) से कंट्रोल होता है? हेलमेट क्या है? यह पब्लिक ऑर्डर के लिए है, इसलिए 19(5) के तहत लगाया गया जो रिस्ट्रिक्शन है वह जस्टिफाइड है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो 19(1)(d) और 19(1)(e) को इन्वोक किया गया है ज्यादातर इसलिए कि अगर किसी व्यक्ति को 19(1)(d) एंड 19(1)(e) हैव बीन फ्रिक्वेंटली चैलेंज टू वैलिडिटी ऑफ एक ऑर्डर जो सर्व किया है एग्जीक्यूटिव द्वारा एक सिटीजन को कि जो स्टेट को लीव करें, स्टेट को लीव करें, जिला बदर इसको आप बोलते हैं, राज या जिला बदर नाम सुना होगा आपने, राज या जिला बदर, इसके लिए इस्तेमाल किया गया है जो आपका एक्सेप्शन क्लॉज है। तो कोर्ट ने कई बार कहा है कि इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक को देखते हुए यह इस्तेमाल किया जा सकता है। लास्ट है 19(1)(g) एंड 19(1)(6) बड़ा इंटरेस्टिंग क्या है, हर अधिकार एक साथ मैच करता है। अब 19(1)(g) क्या गारंटी करता है? राइट टू प्रैक्टिस एंड प्रोफेशन। 19(1)(g) क्या बात करता है? 19(1)(g) बात करता है कि हर सिटीजन के पास राइट है टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, और 19(6) क्या बोलता है? स्टेट को इस बात के लिए रोका नहीं जा सकता, मेकिंग ए लॉ इंपोजिंग इन द इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक। आप 19(6) पढ़िए कि आप जनरल पब्लिक के लिए रोका नहीं था। अब बड़ा इंटरेस्टिंग क्या है, 19(1)(6) में दो सब क्लॉज हैं, सब क्लॉज 1 और सब क्लॉज 2। 19(1)(6) में टू सब क्लॉज हैं, सब क्लॉज 1 और सब क्लॉज 2। सब क्लॉज 1 बात करता है प्रोफेशनल और टेक्निकल क्वालिफिकेशंस की, सब क्लॉज 1 बात करता है कि आप रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हो टेक्निकल एंड प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस। इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास किसी व्यापार को कर, किसी कार्य को, किसी प्रोफेशन को करने की सुविधा है, लेकिन अगर उसके लिए कोई प्रोफेशनल और टेक्निकल क्वालिफिकेशन की आवश्यकता है तो आपको उस टेक्निकल और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन के सिद्धांत को मानना पड़ेगा। तो अगर ऐसा किया जाता है तो कोई दिक्कत। दूसरा क्या बोलता है कि ऐसा कोई लॉ बनाया जा सकता है कि जिसमें यह लॉ क्या बात करता है, जो स्टेट बना सकता है एनी लॉ, अगर कोई स्टेट कैरी करता है या स्टेट का कोई कॉरपोरेशन कोई ट्रेड बिजनेस कैरी करता है तो वह उसमें मोनोपोली प्राप्त कर सकता है। तो अगर हम देखें तो जो इंडिया का जो बिलीफ है, जो प्लान्ड इकोनॉमी का सिस्टम है, यह डायरेक्टिव प्रिंसिपल का भी पार्ट है कि जो हमारी इकोनॉमिक फिलॉसफी है, तो हमारा जो यह सब सेक्शन 2 है क्या बोलता है, आप पढ़िए सबसेक्शन 2, कैरिंग ऑन बाय द स्टेट और बाय ए कॉरपोरेशन ओन्ड और कंट्रोल्ड बाय द स्टेट ऑफ एनी ट्रेड बिजनेस इंडस्ट्री और सर्विसेज वेदर द एक्सक्लूजन कंप्लीट और पार्शियल ऑफ सिटीजन और अदरवाइज। इसको आप पढ़िए एंट्री नंबर 21 ऑफ कॉन्करेंटिस्ट, ओपन करिए एंट्री नंबर 21 ऑफ कॉन्करेंटिस्ट, खोलिए आप खोलिए अपने बेयर एक्ट में एंट्री नंबर 21 ऑफ द कॉन्करेंटिस्ट। मिल गई किसको? नहीं मिला जो कॉन्क्रीट लिस्ट का कॉमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल मोनोपोलीज कंबाइंस एंड ट्रस्ट। तो कॉन्क्रीट लिस्ट क्या बोलती है कि कॉमर्शियल और इंडस्ट्रियल मोनोपोलीज पर कानून बन सकते हैं, कॉमर्शियल और इंडस्ट्रियल मोनोपोलीज पर कानून बन सकते हैं।
अब सुप्रीम कोर्ट ने एग्जामिन करते समय यह कहा कि आप जो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है उसको आप कैसे देखोगे। आप रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस को देखते समय आप क्या क्या चार्ज है? वो बोला पहली बात क्या बोली, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। अब सवाल क्या बन गया कि रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस को कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं, तो कैसे हम एग्जामिन करें कि जो रिस्ट्रिक्शन है वो रीजनेबल है या नहीं है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल। दूसरा, मस्ट नॉट बी आर्बिट्रेरी, मस्ट नॉट बी आर्बिट्रेरी। पहला क्या हो गया, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को आप देखने की कोशिश करें कि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी है उससे क्या संबंध है। दूसरा, यह आर्बिट्रेरी नहीं हो चाहिए। तीसरा, कोई एब्स्ट्रैक्ट ना हो, कोई एब्स्ट्रैक्ट ना हो या जनरल पैटर्न ना हो और कोई एक मिक्स प्रिंसिपल ना हो, रीजनेबल रिस्क को ध्यान में रखते हुए, एब्स्ट्रैक्ट ना हो, एब्स्ट्रैक्ट नो, नो एब्स्ट्रैक्ट। आप एक एब्स्ट्रैक्ट रूप से नहीं बना सकते हो, एक जनरल नहीं बना सकते। दूसरा क्या है, एक जस्ट बैलेंस की आवश्यकता है, ए जस्ट बैलेंस हैज टू बी स्ट्रक बिटवीन द रिस्ट्रिक्टेड इंपोज एंड सोशल कंट्रोल। जो 1906 में लिखा गया है सोशल कंट्रोल, यह सुप्रीम कोर्ट का यह है, इसको आप लोग याद करिए, यही आप लोग लिखिएगा। जो 1906 में एक उन्होंने सोशल कंट्रोल लिखा है, एक बैलेंस होना चाहिए रिस्ट्रिक्शन इंपोज करने के लिए, एक बैलेंस हो, बैलेंस किसके बीच, सोशल कंट्रोल, कंट्रोल एंड रिस्ट्रिक्शन इंपोज्ड। एक बैलेंस होना चाहिए जो 1906 में है। अगर आप 96 देखिए, इसमें जिक्र हुआ है 1906 क्या बोलता है कि जो रीजनेबल हो, सोशल कंट्रोल हो, तो जो रीजनेबलनेस हो उसमें एक बैलेंस हो, जो रिस्ट्रिक्शन इंपोज हो, सोशल कंट्रोल हो, प्रिवेलिंग सोशल वैल्यूज एंड सोशल नीड्स, प्रिवेलिंग सोशल वैल्यूज एंड सोशल नीड्स, प्रिवेलिंग सोशल वैल्यूज एंड सोशल नीड्स, सामाजिक चल रहे सामाजिक मूल्य और सामाजिक आवश्यकताओं, प्रिवेलिंग सोशल वैल्यूज एंड सोशल नीड्स विच आर इंटेंडेड टू बी सेटिस्फाइड बाय द रिस्ट्रिक्शन। यह जो कैसे हो, यह सेटिस्फाइड हो, नीड टू बी सेटिस्फाइड, बाय द रिस्ट्रिक्शन। जो आपके सामाजिक मूल्य हैं और जो आपकी सामाजिक आवश्यकताएं हैं वह रिस्ट्रिक्शन के द्वारा सत्यापित की जानी चाहिए, वह रिस्ट्रिक्शन के द्वारा संतुष्ट किया जाना चाहिए। अगर ऐसा नहीं करते हो, अगर ऐसा नहीं करते हो तो रिस्ट्रिक्शन नहीं होगा। उसके अलावा एक डायरेक्ट और प्रॉक्सिमेट नेक्सस हो, रीजनेबल कनेक्शन हो किसके, रिस्ट्रिक्शन और ऑब्जेक्ट, रिस्ट्रिक्शन एंड ऑब्जेक्ट सॉट टू अचीव। जो आप ऑब्जेक्ट अचीव करना चाह रहे हो, जो आप अचीव करना चाह रहे हो उसके लिए आवश्यक क्या है, देयर मस्ट बी ए डायरेक्ट एंड प्रॉक्सिमेट नेक्सस, एक नेक्सस हो, एक सीधा संबंध हो,
एक सीधा संबंध किसके किसके बीच, जो आपने रिस्ट्रिक्शन लगाया है, आपने जो रिस्ट्रिक्शन लगाया है उस रिस्ट्रिक्शन में, और ऑब्जेक्ट सॉ टू अचीव बाय द एक्ट, जो आपने कानून बनाया है उसके द्वारा जो उद्देश्य की आप प्राप्ति करना चाहते हो, और दे और एक स्ट्रॉन्ग एजम्पशन होना चाहिए इन फेवर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द एक्ट, जो आपका एक्ट बने उसकी संवैधानिकता पर एक पूरा पूरा एक कार्रवाई होनी चाहिए। तो पूरी संवैधानिकता जो है वह देखकर काम किया जाना चाहिए। तो यह बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट था आपका आर्टिकल 19। मोर ऑर लेस आई हैव कवर्ड योर आर्टिकल 19। आई डोंट थिंक देयर इज मच लेफ्ट इन आर्टिकल 19। नाउ वी आर एक 19(6) का जो स्टेट मोनोपोली है, थोड़ा दो लाइन बता देते हैं आपको। 19(6)(2) का स्टेट मोनोपोली, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, अक्सर लोगों से गलत हो जाता है, उनको लगता है कि स्टेट की मोनोपोली नहीं हो सकती। तो स्टेट मोनोपोली जो आर्टिकल 19(6)(2) का है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है। जो आर्टिकल 19(6)(2) है ये क्या बात करता है, वह इनेबल करता है स्टेट को कि ऐसा लॉ बनाए फॉर क्रिएटिंग स्टेट मोनोपोलीज पार्शियली और कंप्लीट इन रिस्पेक्ट ऑफ ट्रेड ऑफ बिजनेस। क्या बोलता है, स्टेट मोनोपोली हो सकती है, राज्य कानून बनाकर या तो पूरी तरह या आंशिक रूप से राज्य का व्यापार में एकाधिकार स्थापित कर सकता है। अभी अब मैंने आपको एक जिक्र किया कि कौन सा एंट्री है, एंट्री 21 ऑफ द कांग्रेस को याद रखिए, कर सकता है। बड़ा इंटरेस्टिंग है कि स्टेट की मोनोपोली को राज्य कानून बनाकर या तो पूरी तरह या आंशिक तौर पर राज्य का व्यापार में एकाधिकार स्थापित कर सकता है। जो राइट टू सिटीजन टू एक्ट ऑन ट्रेड, इसलिए यह सबॉर्डिनेट हो गया इन द फेवर ऑफ द स्टेट। अब क्या हो गया, राइट ऑफ सिटीजन टू ट्रेड सब्जेक्ट टू स्टेट। यही सवाल आएगा आपके प्रिम्स में कि जो राइट टू स्टेट है, जो राइट टू सिटीजन है ट्रेड का, किसी ट्रेड को कैरी करने का जो व्यक्ति का, जो नागरिक का अधिकार है, वह सब्जेक्ट हो गया किसके, इट इज सब्जेक्ट टू स्टेट, यह स्टेट के अधीन हो गया। तो किसी व्यक्ति का कानून बनाने का जो अधिकार है वह राज्य के अधिकार के अधीन हो गया। इसीलिए आप देखिए आर्टिकल 298, अगर आप देखिए आर्टिकल 290 अकॉर्डिंग टू विच यूनियंस एंड स्टेट हैज पावर टू कैरी आउट एनी ट्रेड और कॉमर्स, यू सी आर्टिकल 298, ओपन आर्टिकल 298। आर्टिकल 298 क्या बोलता है कि यूनियन और स्टेट के पास व्यापार करने का अधिकार है, इसलिए स्टेट अपने फेवर में मोनोपोली कर सकता है। इसलिए जो आर्टिकल 19(6) के तहत स्टेट में क्रिएट मोनोपोली इन इट्स ओन फेवर, नॉट इन ए फेवर ऑफ थर्ड पर्सन, लेकिन स्टेट अपने फेवर में कर सकता है, नॉट थर्ड पर्सन। Got it? मतलब स्टेट किसी और नहीं कर सकता है, अपने या अपने अधीन काम कर रहे निकायों के लिए कर सकता है, वह किसी थर्ड पर्सन के लिए नहीं कर सकता है।
तो स्टेट का जो मोनोपोली है वह ऐसा नहीं है कि वह किसी लिए कर दे, वह सिर्फ अपने और अपने लिए कर सकता है। आर्टिकल 19(1) जी को आप पढ़िए, आर्टिकल 301 से, आर्टिकल 9(1) जी को पढ़िए, आर्टिकल 301 से। आर्टिकल 301 क्या गारंटी करता है? फ्रीडम ऑफ ट्रेड। जो स्कोप है आर्टिकल 301 का क्या है? यह है कि आर्टिकल 301 एंड 304 मे ऑर्डिनरली विल इन्फ्रिंज आर्टिकल 19(1)(g) एज वेल एंड सो इट कैन बी चैलेंज अंडर आर्टिकल 19(1)(g). तो अगर आप 301 और 304 देखें तो 301 और 304 क्या बात करते हैं? जस्ट ओपन 301, जस्ट ओपन 301, मिल गया। ओपन 301, फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स सब्जेक्ट टू द अदर प्रोविजंस ऑफ दिस पार्ट ऑफ द पार्ट ट्रेड कॉमर्स एंड इंटरकोर्स थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया शैल बी फ्री, मिल गया। ओपन 304, रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रेड एंड कॉमर्स इंटरकोर्स अमंग द स्टेट। अगर आप इन दोनों को पढ़ें तो क्या बोलते हैं कि ट्रेड कॉमर्स के बारे में क्या अधिकार है? तो अगर हम आर्टिकल 301 और आर्टिकल 19 को देखें तो आर्टिकल 301 आल्सो गारंटीज फ्रीडम ऑफ ट्रेड। द स्कोप ऑफ आर्टिकल 301 एंड आर्टिकल 19(1)(g) इट्स वेरी इंपॉर्टेंट स्कोप। तो एक प्रोविजन जो इन्फ्रिंज करेगा आर्टिकल 301 एंड 304 मे ऑर्डिनरी विल इन्फ्रिंज द आर्टिकल 19(1)(g) और यह चैलेंज किया जा सकता है अंडर आर्टिकल 19(1)(g). आई थिंक इट्स इनफ फॉर द डे, वी हैव डन द कंप्लीट 91। किसी को कोई दिक्कत हो जरूर पूछिए आप, अदरवाइज द योर चैप्टर ऑफ द राइट टू फ्रीडम अभिव्यक्ति स्वतंत्रता सॉल्व हो गई। होप आई एम नॉट कवरिंग द योर बोर्ड। अगर कभी लगे मैं बोर्ड कवर कर रहा हूं तो आप बोलिए मैं हट जाऊंगा, जनरली मैं बोर्ड से हट जाता हूं। अगर आपको कभी लगे कि मेरे खड़े होने से आपको चीज जो अक्सर होता है कि मैं जो लिखता हूं वो आपको दिख नहीं पाता है, टुमारो अगेन विल कवर द पॉलिटी। एक दिन में दो क्लास चलाना थोड़ा मुश्किल मुझे लग रहा है, विल सी ऑफ दिस इशू। टुमारो आई विल सी द आर्टिकल 20, 21, 22 एंड विल ट्राई टू क्लोज इट। टेक केयर, गुड डे, विल सी यू। एक और है कि मैं जो ऑनलाइन आईएएस क्लासेस, क्या है आप लोगों का एग्जाम पास आ रहा है और कोर्स बड़ा है तो ऑनलाइन आईएएस क्लासेस बाय वीरेंद्र ओझा पर हम ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे को चला रहे हैं। इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश इंडिया, जो इंडिया में इकोनॉमिक इम्पैक्ट है वह इकोनॉमिक इम्पैक्ट को हम लोग क्वेश्चन आंसर फॉर्म में करेंगे, तो आप लोग उसको भी देख सकते हैं। क्योंकि अपना सब चैनल एक ही है, कोई इशू नहीं है, यहाँ हो जाए वहाँ हो जाए। क्योंकि टीचर्स काफ़ी हो चुके हैं, क्लासेस बहुत चल रही हैं, एडजस्टमेंट आसान नहीं हो रहा है, तो आप वहाँ भी देख सकते हैं। हम करीब 100 सवाल उसमें तैयार हमने किया हुआ है, हम 100 सवालों को हल करेंगे जो ब्रिटिश शासन का भारत पर आर्थिक प्रभाव पड़ रहा था उसको समझने की कोशिश करेंगे। टेक केयर, गुड डे, विल सी यू सून।